जैसे कि देख पा रहे हो जुपिटर वैगन्स लिमिटेड शेयर, जुपिटर वैगन लिमिटेड शेयर आपका एक अच्छा खासा आपका हाई बनाया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा आपका कम दिनों में रिटर्न दिया है। और देखा जाए तो ये 230 के लेवल को भी क्रॉस कर गया था। 230 के लेवल से एक रिजेक्शन आया है क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक आपका पूरा एकदम 100% आपका तीर बना के ऊपर नहीं जा सकता। टेक्निकली उसका पैरामीटर होता है, जैसे RSI जो है आपका मोर देन 90 हो गया था, तो इस वजह से आपका रिजेक्शन आया था। और उसी के साथ साथ आपका एक अच्छा खासा आपको थोड़ा सा रिजेक्शन आते हुए दिखाया, और इसी वजह से आपका थोड़ा सा आपका प्रॉफिट बुकिंग आएगा। और सपोर्ट का देखा जाए तो सपोर्ट देख सकते हो कि 212 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन यहाँ तक आएगा नहीं स्टॉक, क्योंकि नेक्स्ट मंडे से ही आपका ये पॉजिटिव में ओपन होते ही आपको ये ऊपर चला जाएगा। तो अभी ये स्टॉक का सपोर्ट बोल सकते हो कि एकदम इनिशियल सपोर्ट जो है 217 के आसपास है, तो 217 के आसपास एक इनिशियल सपोर्ट होगा स्टॉक का। और साथ ही साथ आपका एक अच्छा खासा आपको 250 का जो टारगेट दिया था वो 250 का टारगेट आता हुआ दिख रहा है, तो टारगेट 250 तक आपको अगस्त लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। और ये जो आज थोड़ा सा गिरावट हो रहा है ये अच्छी के लिए है, क्योंकि आने वाले टाइम पे और ज़्यादा तेज़ी दिखाएगा, बैक टू बैक तेज़ी दिखा सकता है। क्योंकि आपका आप अगर देखोगे तो कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया, ऊपर के लेवल से, और लगातार तीन दिन में अगर एक हफ्ते में देखोगे तो आपका लगभग 30% के आसपास प्रॉफिट कर दिया है इन्वेस्टर का। तो इसी वजह से स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट आया, क्योंकि RSI बहुत ही स्ट्रांगली ओवरबॉट जोन में चला गया था जुपिटर वैगन में। और ये स्टॉक अगर देखोगे तो मैं आपको 30 रुपये से आपको बना के वीडियो अपडेट करता जा रहा हूँ, 250 का टारगेट तब से बताता जा रहा हूँ। तो जो लोग अभी तक बाई नहीं किए हो तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात करके बाई कर सकते हो। करंट लेवल में बाई करने का 222 के आसपास अगर ये स्टॉक आपको आज मिल जाता है तो आप बाई कर लो, ये बाइंग रेंज है 222 से लेकर 226 तक। ये अगर आपको मिल जाता है तो ये बेस्ट बाइंग रेंज है, क्योंकि 250 का इनिशियल टारगेट आपको नेक्स्ट वीक के अंदर, हो सकता है कि मैंने अगस्त लास्ट तक बोला है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक आपको 250 का टारगेट आपको देखने को मिल जाए। तो इतना ज़्यादा बुलिश हुए हैं स्टॉक को लेके, क्योंकि इंडियन रेलवे से बैक टू बैक बहुत ज़्यादा वैगन मैन्युफैक्चर का, और साथ ही साथ ये अपना प्रोडक्शन खुद इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे जून क्वार्टर में, जून के महीने में आपका 600 वैगन पर मंथ बनाता था, जुलाई में वही 100 वैगन और ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है, मतलब 700 वैगन पर मंथ बनाता है। तो अभी चल रहा है कि जुलाई लास्ट ख़त्म होने में आया तो 750 के आसपास भी मान के चलो, तो वो रेवेन्यू में आपको देखने को मिलेगा। जितना भी आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो आने वाले टाइम पर रेवेन्यू में बहुत बढ़िया आपको ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको एक अच्छा खासा टारगेट भी नज़र आएगा 250+ का। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ कि 250 के टारगेट के लिए जो लोग बाई करना चाहते हो तो मेरा तो बाई कर सकते हो। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लेना आप ही का चैनल मनी मेकर 2307। थैंक्स फॉर वॉचिंग।